हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेम नारंग। आज हम डिस्कस करेंगे अल्टी ग्रेड बायोलॉजी सिलेबस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे, आपने मैक्सिमम इसको इंग्लिश में देखा होगा। तो सबसे पहले इसका ए पोर्शन है जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट है वर्गीकरण, वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति और उपजाति की धारणा और द्विपद नाम पद्धति। नेक्स्ट है निम्नलिखित संघ यानी कि फाइलम, कौन कौन से फाइलम हैं, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमंथीज, एस्की हेलमंथीज, एनेलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तथा कोर्डेटा। इन सभी फाइलम के हमें विशिष्ट लक्षण याद करने हैं, इनका वर्गीकरण और विशिष्ट लक्षण याद करना है। मैंने अपने चैनल पर फाइलम प्रोटोजोआ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डाली हुई हैं, इसमें आप इसके कैरेक्टर और जो इससे होने वाली बीमारियाँ हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें देख लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित संघों के प्रतिनिधियों की सामान्य संरचना तथा जीवन चक्र। फर्स्ट है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में हमें पढ़ना है एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीसियम। नेक्स्ट है पोरिफेरा, इसमें हम पढ़ेंगे ल्यूकोसोलिनिया और साइकन। थर्ड निडेरिया है और इसमें हमें पढ़ना है हाइड्रा, ओरिलिया एवं ओबिलिया। नेक्स्ट है टीनोफोरा, इसमें हम पढ़ेंगे प्लूरोबेक्रिया। फिफ्थ है प्लेटी हेलमंथीज, इसमें हम पढ़ेंगे फेसियोला और टीनिया। नेक्स्ट एस्की हेलमंथीज, इसमें हम पढ़ेंगे स्कैरिस। और नेक्स्ट है एनेलिडा, एनेलिडा में हम पढ़ेंगे नेरिस, फेरेटिमा और हिरुडेनेरिया। आर्थोपोडा में हमें पढ़ना है कॉकरोच, मस्का, मच्छर और प्रान यानी कि झींगा। मोलस्का में हम पढ़ेंगे यूनियो और पाइला। इकाइनोडर्मेटा में हमें तारा मछली पढ़नी है और कॉर्डेटा में हमें पढ़ना है हर्डमानिया, एम्फियोक्सिस, स्कोलियोडोन, राना, यूरोमेट्रिक्स, कोलम्बा एवं खरगोश। सबसे पहले जो ये हम पढ़ रहे हैं फाइलम, इनके एग्जांपल याद रखने के लिए कि हमें किस में क्या पढ़ना है, मैंने अपने चैनल पे बहुत ही अच्छी ट्रिक बना रखी है, एनिमेटेड फीचर्स डाल के आप याद रख सकते हैं कि हमें प्रोटोजोआ में क्या पढ़ना है, और इससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है फोर्थ निम्नलिखित का संक्षिप्त ज्ञान, प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग। इस पर बहुत अच्छी वीडियो है मेरे चैनल पर, मेरे चैनल पर आपको मैक्सिमम वीडियो टीजीटी करके मिलेंगी, पर वो एलटी के लिए भी उतनी ही यूज़फुल हैं जितनी कि वो टीजीटी के लिए यूज़फुल हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो ऐसा ही है, सेम ही है, और बायोलॉजी तो सेम होती ही है ना। निडेरिया में बहुरूपता, नेक्स्ट है निडेरिया में बहुरूपता। थर्ड है हेलमेंथिस तथा उससे उत्पन्न रोग। फोर्थ है हानिकारक और लाभप्रद कीट। फिफ्थ है विषैले तथा विषहीन सांप। इसके लिए बहुत ही आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना और चेक करना ट्रिक की वीडियोस, आपको ये छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस दिखाई देंगी, जिन्हें आप एक बार देख लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तनधारियों का आर्थिक महत्व। फिफ्थ पॉइंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें है जंतु कोशिका की संरचना, कोशिकांगों के कार्य, गुणसूत्र के प्रकार, जीन की संरचना तथा अनुवांशिक कूट, समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। नेक्स्ट है मेंडेल के वंशागति के नियम, सहलग्नता एवं जीन विनिमय, सूजनक की, जैव विकास, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, नियो लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नियो डार्विनवाद, ये नियो नहीं है, न्यू है, न्यू नया, विकास की क्रियाविधि, उत्परिवर्तनवाद और कालांतर में विकास जिसमें मानव विकास है। मानव विकास से भी ट्रिक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी तक नहीं किया हुआ, यह है मेंडेल के वंशागति के नियम, तो मैं इस पर जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। जो मैंने अभी तक इसके टॉपिक कवर नहीं किए हैं, मैं उन सभी टॉपिक पर ट्रिकी वीडियोज़ या अच्छी एक्सप्लेन वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी में आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव तथा प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय प्रदूषण। नेक्स्ट है निम्न का प्रारंभिक ज्ञान। फर्स्ट है पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, रुधिर एवं परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिकीय संचारण, मांसपेशी में संकुचन, अंतर स्त्रावी ग्रंथि तथा उनके कार्य। बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक है और इनमें एक एक टॉपिक को लेकर उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन्हें देख लेंगे। नेक्स्ट है नाइन निम्नलिखित की विशेषता तथा वर्गीकरण, इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोटीन्स, वसा, एंजाइम्स तथा हार्मोन्स। नेक्स्ट है युग्मक। युग्मक में हम पढ़ेंगे जनन, डिंब के प्रकार, विदलन, एम्फियोक्सिस, मेंढक तथा कुक्कुट। मेंढक तथा कुक्कुट का भ्रूणीय परिवर्धन, स्तनियों में अपरा। और जूलॉजी का लास्ट टॉपिक है जैव भूगोल, प्राणी भूगोल, परिमंडल एवं उनके विशिष्ट प्राणी। अब देख लेते हैं हम इसका पोर्शन बी, वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी। इसमें फर्स्ट है विषाणु। विषाणु में हमें देखना है क्या है, इसकी परिभाषा, प्रकृति, परागमन और TMV, विषाणु की संरचना, बैक्टीरियोफेज, वायराइड्स, प्रियांस और विषाणु का आर्थिक महत्व। नेक्स्ट है जीवाणु। इसमें हमें पढ़ना है जीवाणु कोशिका की संरचना, पोषण, प्रजनन और आर्थिक महत्व। सबसे पहले जो मैं जीवाणु और विषाणु की बात करूं तो इनमें जो सबसे ज़्यादा आता है वो होता है इनसे फैलने वाले रोग, पौधों में भी और जंतुओं में भी। तो इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मतलब जो ट्री की वीडियोस करके TGT ट्री की वीडियोस में आप उनको देख लेंगे। नेक्स्ट है कवक। कवक में हम पढ़ेंगे उसका सामान्य लक्षण, संरचना, पोषण, प्रजनन और कवकों का आर्थिक महत्व। वर्गीकरण एलेक्सोपोलस और मिमस, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण। राइजोपस, पीथियम, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, एगेरिकस, पिक्सिनिया, एस्टिलोगो, अल्टरनेरिया की संरचना और उनका जीवन चक्र। नेक्स्ट है शैवाल यानी कि एल्गी। इसको हमें पढ़ना है इसका सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, शैवाल वर्णक एवं शैवालों का आर्थिक महत्व। इसमें जो मेनली शैवाल हमें पढ़ने हैं वे हैं केलेमाइडोमोनास, वालबाक्स, उड़ोगोनिया, वाउचेरिया, कारा, एक्टोकार्पस, बैट्रोकोस्पर्मम, पोलिसाइफोनिया और नील हरी शैवाल, नोस्टोक और एनाबिना के संरचना और जीवन चक्र। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन में हम पढ़ेंगे इसकी प्रकृति, प्रकार, संरचना, प्रजनन एवं आर्थिक महत्व। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ेंगे इसके सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों का विशिष्ट लक्षण, प्रजनन और ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व। मीन्स जो ब्रायोफाइट्स के मेन प्लांट्स हमें पढ़ने हैं तो वे हैं रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया। इनका हमें पढ़ना है संरचना और जीवन चक्र। नेक्स्ट है टेडोफाइट्स। इसमें भी हम पढ़ेंगे इसके सामान्य लक्षण, वर्गीकरण और विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, रंभीय तंत्र और टेडोफाइट्स का आर्थिक महत्व। इसमें जो हमें टेरिडोफाइट्स पढ़ने हैं वे हैं लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सेलिया की संरचना और उनका जीवन चक्र, हेट्रोस्पोरी और इसका बीजीय स्वभाव भी हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी में हम पढ़ेंगे इसके सामान्य लक्षण, सजातीयता, जीवन चक्र, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, वितरण एवं आर्थिक महत्व। इसमें हमें मेनली पढ़ना है साइकस, पाइनस और इफेड्रा की संरचना और उनका जीवन चक्र। नेक्स्ट है जीवाश्म विज्ञान, प्लियोबोटनी। इसमें हम पढ़ेंगे जीवाश्म के प्रकार, जीवाश्मीकरण, भूवैज्ञानिक समय सारणी एवं इसका महत्व, राइनिया की संरचना एवं प्रजनन। नेक्स्ट है आवर्त बीजी वर्गीकी। इसमें हम पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति, बैंथम एवं हुकर का वर्गीकरण पद्धति, महत्वपूर्ण वनस्पतिक उद्यान और हर्बेरिया, रेनकुलेसी, पापावरेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, फेबेसी, रोजेसी, कुकरबिटेसी, एपीएसी, स्ट्रेसी, रुबिएसी, एपोसाइनेसी, सोलोनेसी, एकेंथेसी, लेमिएसी, यूफोब्रिएसी, लिलिएसी और पोएसी कुलों की विशिष्टताएं। आपको मेरे ट्रिक्स में मिलेंगे सभी, मतलब जो ये फैमिलीज हैं इन फैमिलीज के एग्जांपल याद करने की ट्रिक, और एक आपको मिलेगा लार्वा से रिलेटेड वीडियो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उन वीडियोज को एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट है आवर्त बीजी आंतरिकी। इसमें हम पढ़ेंगे ऊतक एवं ऊतक तंत्र, असामान्य द्वितीयक वृद्धि, जड़ एवं तनों की आंतरिक संरचना से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।